भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई को ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला खेला जाना है। इस टेस्ट मुकाबले पर क्रिकेट जगत में सभी की निगाहें रहने वाली हैं। आपको बता दें कि ये टेस्ट मुकाबला पिछले साल खेली गई भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम और ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला है। पिछले साल 5वां और आखिरी टेस्ट मुकाबला कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब एक बार फिर से कराए जाने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इस टेस्ट मुकाबले में वो होगा जो आज से पहले क्रिकेट में कभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप मैदान में कैमरा पहनकर फील्डिंग करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि ओली पोप शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते समय अपने हेलमेट पर कैमरा लगाकर फील्डिंग करेंगे। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई फील्डर हेलमेट पर कैमरा लगाकर फील्डिंग करेगा। इससे पहले तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपने कई बल्लेबाजों को देखा होगा जो नेट्स के समय हेलमेट पर कैमरा लगाकर नेट्स में प्रैक्टिस करने गए हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये ऐसा पहली बार होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये तरकीब इंग्लैंड की मीडिया कंपनी स्काई स्पोर्ट्स का है, जिन्होंने दर्शकों को कुछ अलग दिखाने के लिए ये तरकीब ICC और ECB के सामने रखी है, और ICC और ECB दोनों ने ही इस बात पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि स्काई स्पोर्ट्स ने दी 100 के दौरान इस बात की पहले ही घोषणा की थी कि वो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ अलग और बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले में इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मैदान के बीचों बीच जब खिलाड़ी कैमरा पहनकर फील्डिंग करेगा तो उस दौरान ये मंजर कैसा होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।